स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। और शुरुआत में सबसे पहले बात सांसद भगवंत मान की, जो आज मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया गया है। बीजेपी के सांसद महेश गिरी और किरीट सोमैया ने ये नोटिस थमाया है, प्रिविलेज मोशन, जिसके तहत अगर सांसदों को मिले विशेषाधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ होता है, उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके खिलाफ ये नोटिस दिया जाता है। अकाली दल ने भी ये नोटिस आगे बढ़ाया है। संसद की सुरक्षा में खिलवाड़ करते हुए एक वीडियो कल वायरल हुआ, जो खुद भगवंत मान ने शूट किया, जिस दौरान वो संसद परिसर में दाखिल हो रहे थे। फेसबुक पर उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया, जिस पर कुछ सांसदों ने कड़े सवाल खड़े किए और इसे संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। हालांकि खुद भगवंत मान, जिनसे इस मसले पर जब जवाब दिया गया, उनसे बात की गई, तो आज तक के कैमरे पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर कोई अफसोस नहीं कि, और वो मुलाकात भी करेंगे स्पीकर सुमित्रा महाजन के साथ, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन बीजेपी के सांसदों ने यहां पर भगवंत मान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने जो अब तक के इस घटनाक्रम को बताती हैं। भगवंत मान ने एक वीडियो बनाया जब वो संसद परिसर में जा रहे थे, उस दौरान जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वीडियो को उन्होंने फेसबुक पर अपलोड किया और इसके अपलोड होते ही इस पर तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिर ये किस तरह का कदम है, क्या ये संसद की सुरक्षा में सेंध नहीं है। अब इसी को लेकर सुमित्रा महाजन भी उनसे आज मुलाकात करेंगे और साथ ही उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस भी दिया गया है। तो क्या ये पूरा विवाद रहा अब तक का, ये आपने देखा। आज के दिन में इसमें आगे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि वो वीडियो आखिर है क्या जिस पर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नवी चीज थानू दिखाऊंगा जिहड़ी इस तो पहले शायद किसी ने दिखाई नहीं होनी। सांसद भगवंत मान के वीडियो पर बवाल। मैं अक्सर कहना हूं अपने भाषण च कि लोकतंत्र च लोग बड़े ने, लीडर बड़े नहीं होते। संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ का इल्जाम। लोकतंत्र के मालिक लोग ने, मैं इस वक्त गड्डी दे विच जा रहा हूं पार्लियामेंट। स्पीकर ने वीडियो पर मांगी रिपोर्ट सामने, बिल्कुल पार्लियामेंट अक्सर अपना इन्ना बुर्जियां दी फोटो जड़ी है। भगवंत मान ने कहा आज भी बनाऊंगा वीडियो। खिलवाड़ क्या है, अगर हमें फोन अलाउड है तो ये बंद कर दीजिए। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने 11 मिनट 57 सेकंड का ये वीडियो फेसबुक पर जैसे ही अपलोड किया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नई चीज तुम्हें दिखाऊंगा जी इस तो पहले शायद किसी ने दिखाई नहीं होनी। मैं अक्सर कहना हूं अपने भाषण च कि लोकतंत्र च लोग बड़े ने, लीडर बड़े नहीं होंगे। लोकतंत्र के मालिक लोग ने, मैं इस वक्त गड्डी दे विच जा रहा पार्लियामेंट, कि मैं उत्थे सवाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਧਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਸੰਸਦ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਕਲਤੇ ਥੇ, कार पर बैठते ही मोबाइल से शूटिंग शुरू कर दी। पूरे रास्ते वो कमेंट्री करते रहे, रास्ते में पड़ने वाले सुरक्षा स्तरों के बारे में भी बताते रहे। सामने बिल्कुल पार्लियामेंट अक्सर अपना इन्हां बुर्जियां दी फोटो जिहड़ी है वो नोटां ते देखी सी। ते हुणे मैं सिक्योरिटी दा गेट आऊगा तां उत्थे साडी गड्डी दे विच आ सेंसर लग्गिया है, मैं सेंसर दिखा हां, ते गड्डी दा मॉडल ते नंबर 0050 अनाउंस होगा तुहाडे सामने। हुण सिक्योरिटी आ गई। White Fortuner 0050 ये अनाउंसमेंट हुई है। सुरक्षा घेरा पार करने के बाद भगवंत मान संसद के भीतर पहुंचे और फिर संसद में शून्यकाल के लिए सवालों का चुनाव लॉटरी के जरिए कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया मोबाइल कैमरे से शूट कर फेसबुक पर अपलोड कर दी। कि मैं सुबह 8:30 से 9 जो संसद में 0 आवर के क्वेश्चन जो है वो सबमिट होते हैं, मैं हर रोज आता हूँ। उसकी सबमिशन कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, नेता बड़े नहीं है, मैंने ये बात बोलकर ही वीडियो शुरू की थी। संसद का हाँ
अब सांसद जब मोबाइल शूट कर रहे थे, संसद के एक कर्मचारी ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन मान ने शूटिंग बंद नहीं की। नहीं, फोटो नहीं लूंगा, आप स्टैंप लगाइए। मैं वो गोपनीयता में रखूंगा। हम अंदर का पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे क्योंकि फिलहाल वो जांच के दायरे में है, लेकिन अपने वीडियो में आप सांसद ने अपने वीडियो बनाने के बारे में जो सफाई दी है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठता है कि मान जनता को संसद के भीतर की जिस प्रक्रिया के बारे में बताना चाहते थे उसे बताने का यह तरीका उचित था? क्या उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इसकी इजाजत ली थी? क्या आप सांसद ने संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जो आरोप कई सांसद लगा रहे हैं? क्या आप सांसद ने ऐसा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया? कुमार विक्रांत के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस मामले पर जब भगवंत मान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी गलती की। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान सिंह पार्लियामेंट जा रहे हैं, अपने घर से बात करते हैं। उन्होंने जो कल वीडियो डाला था फेसबुक पे उसके मुद्दे पर भगवंत मान साहब सवाल उठे हैं। जो आपने वीडियो डाला था, ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, जिसने अपने कल वीडियो डाला था उससे सवाल उठ रहे हैं। मेरा कतई कोई ऐसा इरादा नहीं है, अभी भी नहीं है, ना ही कल था कि मैं संसद की सुरक्षा को किसी किस्म के खतरे में डालूं। मैंने सिर्फ प्रोसीजर बताने की कोशिश की है लोगों को कि कैसे जीरो आवर में जो लकी ड्रॉ निकलते हैं, तो क्योंकि जनता ने हमें चुनकर भेजा है, चार चार घंटे लाइनों में, आंधी में, तूफान में उन्होंने वोट डालकर लाइनों में खड़े होकर हमें यहाँ भेजा है। हम उनसे वादा करते हैं कि ये मसला हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन जब हम उठा नहीं पाते, लकी ड्रॉ में निकलता नहीं है, तो पब्लिक हमसे सवाल करती है, तो हम उनको कहते हैं लकी ड्रॉ में निकला नहीं। वो कहते कौन सा ड्रॉ निकलता है वहाँ, बताइए। सब चीज़ें ठीक है मान साहब, लेकिन आपने पूरा कैसे फ्रिस्किंग होती है, कहाँ चेक पॉइंट्स है, वो सब चीज़ें पब्लिक में करना आपको, क्या ये आपको लगता है सुरक्षा लिए खतरा है? पहले भी पार्लियामेंट अटैक हो चुका है, वहाँ तक तो आप लोग सब लोग भी जाते हो ना, ये तो सबको पता है कि मैं अपनी ऑथोराइज्ड गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे पास पास है और रजिस्टर्ड मेरा व्हीकल है, उसका नंबर भी अनाउंस होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई छोटी बात वीडियो से कोई पार्लियामेंट की सुरक्षा जो खतरे में हो जाएगी। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, अभी भी नहीं है। हम माफी मांगते हैं अपनी गलती। स्पीकर आज मुझे पता चला है कि मुझे बुला रहे हैं, मैं उनकी गलती मानते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज्यादा उत्साहित होकर के आपने गड़बड़ कर दिया है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं किया। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे सवाल डलते हैं, कैसे उनके मसलों को उठाने का सुरक्षा कैसे कैसे जांच होती है, सुरक्षा पॉइंट्स क्या, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। सबको पता है, हजारों लोग पास बना के जब आते हैं तो सबको बताया जाता है कि उधर से एमपी आते हैं जी, ये गाड़ी का स्टिकर है जी, तो दर्शक गैलरी में लोग आके देख के जाते हैं। सब पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, अकाली दल है, सब लोग कह रहे हैं कि ये तो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका प्रिविलेज खत्म किया जाना चाहिए। देखिए, एक एमपी को मोबाइल फोन अलाउड है अंदर, या तो ये करो ना कि एमपी को मोबाइल फोन अलाउड नहीं और मैंने वीडियो बना ली, फिर तो मैं गलत मानता अपने आप को। तो मैं मैडम स्पीकर के सामने सब कुछ आज बताऊंगा कि मेरा मकसद प्रोसीजर दिखाना है कि कैसे पारदर्शिता से यहाँ पे ड्रॉ निकलते हैं, और सबको मौका मिलना चाहिए। आज भी मैं जा रहा हूँ, मैं पंजाब के किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा उठाने जा रहा हूँ। उठाइए आप, लेकिन क्या वीडियो बना करके मोबाइल की अगर प्रिविलेज दिया गया कि मोबाइल ले जा सकते हैं, लोग अंदर की चीजें बाहर लोग हमसे सवाल पूछते, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? हम कहते हैं जी लकी ड्रॉ जब निकलता है उसमें निकला नहीं, कहते कौन सा लकी ड्रॉ, दिखाइए डीडी लोकसभा 8:30 से 9 लाइव कर दे। मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं है जो आपने फेसबुक पे कल वीडियो बनाया अंदर का पार्लियामेंट का, जो पॉइंट्स किसी को पता नहीं थे? मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, संसद की जो सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ लोगों को ये प्रोसीजर बताना कि लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, आप ये जानिए कि कैसे सवाल डालते हैं। और सवाल डालना और चेक पॉइंट्स बताना दोनों में बहुत फर्क है। सीधा बिल्कुल ये सीधा जो है ना, सामने वाला गेट है, ये किसी से छुपा नहीं, मैंने कौन सा चोर दरवाजा दिखा दिया, मैंने कौन सा कोई गोपनीय कमरा दिखा दिया, सिर्फ प्रोसीजर बताना। फिर करेंगे, आपने कहा था मैं फिर करूंगा। मैं आज जा रहा हूं, मैं शून्यकाल में अपना सबमिशन करने जा रहा हूं, जो मेरा फर्ज है। नहीं, आपने कहा था ऐसा वीडियो फिर बनाऊंगा, ऐसा ही करूंगा। मुझे आज मैडम स्पीकर से मिलना है और उनसे पूछना है कि डीडी लोकसभा पे लाइव किया करो। लेकिन सब पार्टियां नाराज हैं आपके इस एक्शन से। उनका काम ही नाराज होना है हमसे, उनको ये रहता है कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो संसद में क्यों पहुंच गई पहले। लेकिन मान साहब जिस ढंग से चीजें हो रही हैं आपको थोड़ा बंद कर दीजिए, जिस ढंग से चीजें हो रही हैं आपको नहीं लगता कि
ये बहुत बड़ा सवाल उठा है आपकी आपकी एक्शन के ऊपर। मैडम स्पीकर ने आज मुझे बुलाया, मैं विनम्रतापूर्ण उनके सामने मैं पेश होगा और मैं उनको सब सारी स्थिति बात क्लियर कर दूंगा कि मेरा मकसद, आप वीडियो देख लीजिए दोबारा, तो मेरा मकसद जो है वो प्रोसीजर बताने का था, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का कतई नहीं था।